जब भी शूरवीरों की गाथा गाई जाती है तो स्वतंत्र भारत के पहले थल सेना प्रमुख एम करियप्पा का नाम हर किसी की जुबान पर आ जाता है। आज ही के दिन देश की सेना अपने 2,00,000 जवानों के साथ पूरी तरह से ब्रिटिश सेना से अलग हुई और फील्ड मार्शल करियप्पा के नेतृत्व में आगे बढ़ी। और शायद यही वजह है कि आज ही के दिन पूरे देश में सेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नेवी चीफ सुनील लांबा और एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दिन भारतीय सेना के शक्ति प्रदर्शन का एक अलग ही नजारा देखने को मिला। तो वहीं पहले भारतीय सेना अध्यक्ष के एम करियप्पा को पदभार संभालने को एक जश्न के रूप में मनाया गया। यूं तो देश के तमाम हिस्सों में मौजूद सैन्य छावनियों में आर्मी डे के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली में और सेना के सभी मुख्यालयों में परेड और अन्य मिलिट्री शो का आयोजन भी देखने को मिला। NMF न्यूज की रिपोर्ट।